हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? हैं आप सभी? आई होप ठीक ही होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने कामों में व्यस्त रहिए। दोस्तों आई एम सॉरी, मैं उतना दिन से वीडियो नहीं डाल पा रही थी और कुछ प्रॉब्लम थी उसकी वजह से, बट अब रेगुलर वीडियो पड़ेगा। मोबाइल में प्रॉब्लम थी इसलिए मैं नहीं डाल पा रही थी। मैं मोबाइल से वीडियो बनाती हूँ दोस्तों, तो इसलिए मैं नहीं डाल पा रही थी, तो उसके लिए आई एम सॉरी। कैसे हैं आप सभी? और सबका खाना वाना हो गया? हमारा हो गया, अभी खाया। मैं 3 बजे खाना खाई हूँ। मैं लेट खाना नहीं खाती हूँ, मैं टाइम टाइम से खाना खाती हूँ, बट आज 3 बजे मैं खाना खाई हूँ। इसलिए आज घर पे बहुत सारा काम था क्योंकि होली नज़दीक आ रहा है ना, इसके वजह से आज बहुत सारा काम था, तो खाना आज मैं लेट खाई हूँ और पूरा घर का सफाई हुआ है। और मेरे साथ मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा हेल्प किया, कहीं मुश्किल जाती है काम किए हैं, वो मुझसे ज़्यादा काम किया है। मैं चली गई थी नहाने, इसलिए नहाने चली गई थी क्योंकि बाबू को ठंड लग सकती है ना, मैं शाम को जब नहाऊँगी तो बाबू को ठंड लग जाएगा, तो इसलिए हम चले गए नहाने। तो सब काम बाबू के लिए हैं, आधा मतलब नीचे का सफाई वो किया है और ऊपर का कपड़ा पर जो भी अलमारी का काम था मैं कर दी हूँ, और जो न्यू साड़ी उड़ी थी सब इधर उधर बिखरा पड़ा था तो मैं उसको एक जगह रखवा दी हूँ, और जो बक्सा है वो भारी था उससे नहीं उठ रहा था, जो बाकस था उससे नहीं उठ रहा था, तो बाबू उठाए हैं, उठा के ऊपर रखे हैं उसको, ताकि मतलब वो जो हुई है ना, बाबू हुई है ना, तो इसलिए जो भारी उठाने को सब मना है। मैं 6 महीने तक ज़्यादा भारी नहीं उठा सकती हूँ, तो इसलिए। और दोस्तों एक बात बताऊँ आपको, आज बहुत अच्छा लगा है क्योंकि बाबू कहीं घूमने उन्होंने गए थे और घर पे ही थे, और हमारे साथ साथ हमारे कामों में हेल्प किए हैं। और वो संडे को गए थे, वो जा रहे थे बाहर, तो अचानक कैसे हुआ कि वो कैंसिल हो गया ट्रेन, यहाँ से देवरिया से ट्रेन कैंसिल था, तो उनको लगा कि मैं जाकर गोरखपुर से पकड़ लूँगा ट्रेन, तो गोरखपुर से भी कैंसिल मतलब छूट गया। तो फिर से उनको कहीं से पता चला कि कोई बताया कि आप जाओगे प्रयागराज में मिलेगा आप ट्रेन, वो भी रात को मिलेगा, बनारस में 9 बजे रात को मिलेगा। तो वो कहें कि ठीक है मैं जाकर बनारस से पकड़ लूँगा, तो फिर से कोई कहा कि जब तक तुम जाओगे बस से जा रहे थे, तब तक तुम बस से जाओगे तब तक ट्रेन छूट गई होगी। तो फिर ये वहाँ से गोरखपुर से वापसी हो गए और चले आए घर के लिए आए ना, तो मतलब अब मैं बहुत खुश थी, इसलिए कि अब होली नज़दीक आ रहा है और हर कोई जाता है, हर एक वाइफ चाहती है कि उसका हस्बैंड उसके पास रहे, चाहे कोई त्यौहार हो, कोई फंक्शन हो, उसका हस्बैंड उसके साथ रहो, उसे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और आ गए हैं अब होली बिताकर, मतलब अगले नेक्स्ट संडे को मिलता है उनकी ट्रेन, तो फिर से अगले संडे को मिलेगा, तो फिर से चले जाएंगे, तो फिर से अच्छा नहीं लगेगा। और सबको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वापस आ गए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। दोस्तों मैं अपने ज़िंदगी से बहुत खुश हो गई हूँ क्योंकि मेरी एक बाबू आ गई है, और बाबू आ गई है मुझे बहुत अच्छा लगता है उससे, बहुत बहुत अच्छा है, बहुत क्यूट है, और फिर इतना अच्छा अच्छा खोज मारती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। मैं बहुत अच्छी हो गई हूँ, ठीक हो गई हूँ, मैं पहले से बहुत ठीक हो गई हूँ। अब मैं आराम से चल लेती हूँ, फिर लेती हूँ, अपना कपड़ा वड़ा धुल लेती हूँ, सब कुछ धो लेती हूँ, काम भी कर लेती हूँ, खाना भी बना लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होता है अब। अच्छा धीरे धीरे अच्छा ही हो रहा है क्योंकि मतलब मेरा सिजेरियर नहीं था, नॉर्मल डिलीवरी था, तो इसलिए मैं अभी तक अच्छी हो गई हूँ। जिसका सिजेरियर रहता है उसका भी वो अच्छा नहीं होता है, उसको 6 महीने तक सब कुछ छोड़ना पड़ता है, लेकिन मुझे छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मैं बहुत ठीक हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं लगातार आज 5-6 दिन से वीडियो नहीं डाल रही थी,
अब मैं वीडियो मेरा नहीं पड़ा है, मैं सबसे पीछे हो गया हूँ। मैं वीडियो लेकिन मैं अब वीडियो रेगुलर डालूँगी, रेगुलर वीडियो डालूँगी इसलिए क्योंकि मेरा मोबाइल बन चुका है। अब मैं डालूँगी और देखिएगा, सपोर्ट करिएगा मुझे। और दोस्तों लंबा वीडियो तो नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए मैं चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। ठीक है दोस्तों, बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद न्यू ब्लॉग के साथ। बाय, सी यू, लव यू गाइस।